दोस्तों, ये टाटा एसी है और इसके ओवर हीटिंग प्रॉब्लम हो रहा था। 8-10 किलोमीटर के अंदर टेम्परेचर हाई पे चले जा रहा था इसका। एक मैंने देखा टेम्परेचर इस आधा घंटा हो रहा गाड़ी खड़े होकर, अभी टेम्परेचर लगभग आधे से थोड़ा कम है, अब बंद करना डाउन हो जा रहा है। अभी इसका रिटर्न चोकअप हम निकालेंगे। ये टाटा एसी का ओवर हीटिंग प्रॉब्लम है, जबकि रेडिएटर में गैस भी बना हुआ है। मैं थोड़ी देर से रेडिएटर क्या खोलूँगा, जो उसमें कंप्रेशर है अभी गर्म होने की वजह से, नीचे ठंडा है ऊपर गर्म है। देखिए नीचे से खोलना चालू कर दिया हमने और इसके बोल्ट खोल रहे हैं रेडिएटर के। नीचे से 13 के बोल्ट आते हैं, ये किसी को 12 के होते हैं, किसी को 13 के। दो पट्टे में होता है, ऊपर दो कैप में होता है। फैन का सॉकेट भी निकालेंगे और रेडिएटर का कैप खोल चुका हूँ मैं। अंदर देखिए कितना खान है और गर्म भी हो चुकी है काफ़ी गाड़ी। ये ऊपर का क्लिप खोल दिए और रेडिएटर का चोकअप मैं यहीं निकालूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसा निकालूंगा। ये टाटा एस ओवर हीटिंग में रेडिएटर ही चोकअप हो जाता है इसका। तो देखिए ऐसे वो नीचे दो पट्टे होते हैं इसके खुलने के, उसमें से निकाल लेंगे हम इसको और साथ ही बाहर कर लेंगे उसको खुलते से। देखिए नीचे अक्लिप भी निकाल रहे हैं, अब इसके अंदर दिखाएंगे पानी कैसा है अपने। देखिए ये क्लिप भी गर्म होता है, सावधानी से खोलना है आपको, गाड़ी ठंडा होने के बाद ही खोलना है कभी भी। जबकि हमने भी आधा घंटा गाड़ी खड़े रहने दी और फिर खोला है हमने, इसे पहले नहीं खोला हमने। देखिए पूरा पीला पानी हो चुका है गर्म होकर, जंग वाला पानी, तो इसमें पानी भी कम निकला है, कम से कम 4 लीटर पानी होना चाहिए। देखिए खुल चुका है, चलिए आप रेडिएटर का हाउस पाइप भी निकाल दिए, नीचे से खुल चुका है, फैन का सॉकेट निकाला है। अब ये रेडिएटर बाहर ले लिए इसको हमने, हमने देखिए इसमें ये इतना गंदा पानी है और वो भी कम पानी है। ये इसका फैन खोलना होता है आपको, क्योंकि 10 के बोल्ट होते हैं उसको, तीनों भी खोल देंगे और फैन बाजू कर देंगे। देखिए खुल चुके हैं बोल्ट, इसको हम बाजू रख देंगे। इसमें एक बार पानी डाल के साफ कर लेंगे इसको, सिघान निकल जाए। काफ़ी पुराना रेडर है और अभी गर्मी का सीज़न है, इसलिए गाड़ी ओवर हीट हो जाती है। अब इसको हम इसको ड्रॉअर से खोल लेंगे, क्योंकि इसकी पट्टियाँ लॉक में होती है और इसमें रबर ओरिंग होती है, बस उसी के सारे पानी इसमें रुकता है, टिक भी नहीं होता है। देखिए इस तरह से थोड़ा 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 करके पूरा आपको साइड से चारों तरफ से पूरे पट्टे सीधे करने हैं और वो फिर पट्टे सीधे होने के बाद निकल जाएंगे। पीछे का कवर देखिए, यहाँ पर दिखा, वहाँ से आपको थोड़ा 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 सीधा करना है, पट्टी खराब ना हो, टूटे ना, इसका ध्यान रखना होगा आपको। देखिए कितनी आसानी से निकल गया सीधा करने के बाद, जबकि इसमें कितनी घान है, ये सब चुकअप होने की वजह से, इसमें पानी ओवर हीट होने की वजह से पानी गर्म होकर कार्बन बन जाता है अंदर।
देखिए होल ऐसे दिखते हैं आपको, पर होल अंदर से कम हो जाते हो। पानी डाल के थोड़ा साफ कर लेंगे, फिर हम इसमें गेज करेंगे। अब गेज लेके रखा है हमने, गिल्ला इसलिए करना है कि अगर सूख जाएगा तो कार्बन नहीं निकलेगा, गिल्ले में ही उसका कार्बन निकालना है आपको। देखिए ये इस तरह से गेज करके इसको साफ करना है, नाली फूटे ना, पाइप लीक ना हो और डैमेज ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। आराम आराम से, जिसमें हार्ड लगता है उसको थोड़ा रुक के थोड़ा पानी और वो केमिकल डाल के उसको साफ करना चाहिए, वरना पाइप डैमेज हो जाते हैं। देखिए इस तरह से हार्ड लग गया तो उसको पानी डाल के थोड़ा रुकना चाहिए। हमने साफ कर लिया, अभी घान देखिए इसमें नीचे पानी अंदर जाता है ना, उसमें भी घान है, मिट्टी और घान अंदर इतना पाइपों में जमा है। देखिए धीरेन्दा पूरा कार्बन है सब अंदर, तो हम अच्छे से धो लेंगे, सर्विसिंग कर लेंगे इसकी। धो लेंगे अच्छे से और अब वो साफ भी हो चुका है और सूख भी चुका है। अब हम इसकी फिटिंग चालू करेंगे, रेडिएटर की फिटिंग सर्विसिंग के बाद। इसका चोकअप निकाल दी हमने और ये रबर बाउंड ट्यूब है और इसके साथ हम इसके ओरिंग को रबर बाउंड ट्यूब लगाएंगे, कैमरा है ना, और उसको प्रेस कर देंगे। देखिए रबर बाउंड ट्यूब टॉप कवर को हमने लगा दिए रेडी वाटर के, और ओरिंग को भी अच्छे तरीके से साफ किया हुआ है और उसके साथ ही उसको हम इसके ऊपर प्रेस कर देंगे साफ करके, जहाँ की ऐसा कहीं छूटे ना जगह इसे बराबर लगाना चाहिए। और ये देखिए अब फिटिंग टॉप कवर हम फिट कर रहे हैं, बड़े प्यार से बिठाना है आपको, डस्ट खान मट्टी इसमें नहीं जाना चाहिए। देखिए एकदम प्यार से, क्योंकि फाइबर का होता है वो जो कवर होता है ना, फाइबर का होता है। देखिए बैठ गया ना कट करके, अब इसको हम अच्छे से दबाएंगे और प्रेस कर देंगे हम। थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे पहले, तो बाद में इसको ठोकेंगे, प्रेस सही करेंगे और फिर पट्टी को दबाएंगे। उसका शेप बराबर मिलाने के लिए उसको इस तरह से पंच करना ही होता है आराम से एकदम। देखिए वो लकड़ी पर इसलिए रख रहे हैं कि दोनों तरफ से इसको प्रेशर मिलेगा। ये कितने आराम से ये अभी प्रेस कर रहे हैं हम। जब प्रेस हो जाएगा पूरा क्लियर, हम उसको पंच से और दबा देंगे ऊपर से भी, जो पट्टिया इस तरह से लॉक हो जाएंगी। दोनों तरफ से करना है, एक साइड और दूसरी साइड, दोनों सामने सामने के भी और इधर के भी पूरे दबाना है दोनों तरफ से भी, तभी जाके ये लीक नहीं होगा। देखिए अब एक तरफ हो चुका है, अब एक तरफ का हम प्रेस करेंगे। हम देखिए आहिस्ता आहिस्ता मारना है, जिससे
रेडिएटर के जो लॉक है वो ख़राब ना हो। देखिए अब ये पूरा पूरा प्रेस हो चुका है लगभग, जो देखेंगे हम उसको फिर प्रेस करेंगे और उसके बाद रबर ट्यूब लगा देंगे प्रेस होने के बाद। ये देखिए आप रबर ट्यूब लगा देंगे इस पर। रबर ट्यूब इसलिए लगाना है कि प्रेस हो चुका है और इसमें लीक ना हो पानी। आराम से पूरा कहीं छूट ना जाए ऐसा लगाइए। इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रखना होगा, जब ये सूख जाएगा तो फिर इसके बाद इसको फैन लगा देंगे। ये सूख चुका है और अब हम फैन लगा देंगे इसको। फैन को बिठाते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि फैन कहीं लगे ना, उसको चेक करना है, घुमाकर चेक करते रहना है उसको। देखिए इस तरह से चेक किया जाता है उसको फैन को। अब इसके नट लग गए इधर, अब मैं फुल टाइट कर दूंगा इनको। इसके अंदर दूसरा नट डाले हुआ है, छः पहलू का, चार पहलू का नट नहीं है उसका। इसके लिए इसको इसको ड्रावर लगाना ही पड़ेगा आपको, जिससे लॉक हो जाए। ये राइट है फैन, ओके हो चुका है और अब हम रेडिएटर फिट कर देंगे। अब ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए रेडिएटर फिट हो रहा है। इसके नीचे के फाउंडेशन और ऊपर के फाउंडेशन का ख़ास ध्यान रखना होता है। इसके ऊपर ही सेंटर रबर में ही उसका होता है। ये देखिए ये फाउंडेशन और वो फाउंडेशन और इसके नीचे का पाइप जब तक लगा दे रहे इससे रेडिएटर नीचे नहीं गिरेगा। ये ऊपर का हाउस पाइप फिटिंग हो रहा है, नीचे से पट्टे टाइट हो चुके हैं इसके। अब इसका सॉकेट लगाऊं। अब ये फैन सॉकेट लगा देंगे इस तरह से। फैन सॉकेट लेटर फिट होने के बाद ही लगाना है, क्योंकि वो बीच में अटकता है। ये लग गया, देखो फैन सॉकेट लेटर फिट हो चुका है फाउंडेशनों में रबर के। नीचे के बोल्ट भी इसके टाइट कर दिए और अब एयर निकाल रहे हैं हम। इसका एयर बंद में निकालेंगे हम, एयर से पानी भरेंगे और पीछे से थर्मास जो पाइप आता है वॉल के पास का, किसी को 12 का आता है, किसी को 10 का प्लग आता है, वो प्लग निकाल देंगे तो पानी इधर से उधर डायरेक्ट एयर निकल जाएगा उसका। क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना होता है जिससे एयर निकल जाए। इसकी पाइपलाइन लंबी है, टाटा एस की जो पाइपलाइन है वो काफ़ी लंबी होती है, रेडिएटर दूर होता है इंजन से, इसके लिए उसको पानी ज़्यादा बहाना पड़ता है। देखिए उधर से दिखाता हूँ आपको मैं कि किस तरह से प्रेशर निकलना चाहिए।
देखिए कितने प्रेशर से पानी आ रहा है, ये बंद में आ रहा है ना प्रेशर, इस प्रेशर से निकालना है उसको, तो उसमें का जो एयर होता है वो सब निकल जाता है, वरना ओवरहीट होते रहेंगी गाड़ी अगर एयर सही नहीं निकलेगा तो। एक प्लग लगा देंगे इसका हम, ये देखिए इसको 12 नंबर का प्लग है, किसी में 10 का आता है किसी में 12 का आता है, ये एयर निकल चुका है इसका। फिर इसको अब हम चालू करेंगे एक बार, कारण के कारण आवाज़ बंद करना पड़ी है। देखिए अब गाड़ी चालू हो चुकी है और एयर निकला है कि नहीं निकला अभी समझ में आ जाएगा हमें वाटर सर्कुलेशन से, थोड़ा पानी कम रखना होता है। देखिए इसके अंदर एयर निकल चुका है इसका और वाटर सर्कुलेशन हो रहा है, वाटर सर्कुलेशन राइट हो गया एकदम, और अब गाड़ी भी ओवरहीट नहीं होंगी। इस तरह से रेडिएटर का सर्विसिंग होता है।